मन 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 मोहिनी युज सहसिन यहाँ सोहिनी तू मन 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 मोहिनी युज सहसिन यहाँ सोहिनी तू मन 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 मोहिनी युज सहसिन यहाँ पता चल गेलक हुई कि कल हम इनका प्रोग्राम होने वाला है रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत मंडप में। तो हमर प्रोग्राम आ है 5 बजे से स्टार्ट हुई, हमारे डांस प्रोग्राम आ है और 8 बजे से मोर म्यूजिक प्रोग्राम भी हुई। तो मैं रियो बैंड के साथ परफॉर्म करा था, तो जरूर से जरूर आबा और मुझे सपोर्ट कर दो। के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जो लोग भी अभी नए आर्टिस्ट आगे आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे लोग अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप जैसे कि स्टॉल्स लगाने के लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होंगी उन लोगों के लिए। और हम लोग भी एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी आइए यहाँ पर। और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे, आप लोग झारखंडी खाने का झारखंडी स्वाद का आनंद ले सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं जो झारखंडी टेक्सटाइल है ट्राइबल लोगों के थ्रू। और बैंड वाले लोग भी आएंगे, तो कल म्यूज़िक का भी आनंद ले पाएंगे आप लोग यहाँ पर आकर के। ये कुछ सोशल मीडिया पर कौन से यहाँ पे जुड़ते हैं या फिर ऐसे ही कहाँ चाहते हैं का क्या कोई आना चाहे तो क्या करते हैं? ये हम लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटी मिला था। इंडिजीनियस वेलफेयर सोसाइटी वाले लोग जो एक इन्फ्लुएंसर मीटअप कंडक्ट कराए थे, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आए, इसमें जुड़े और फिर हम लोग ही इस चीज़ को मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि लोग आइए अपना, अगर स्टॉल भी बुकिंग करना है तो उसके लिए नंबर्स वगैरह दिए गए थे। तो हो सकता है कुछ व्यूवर्स ने देख करके इसमें बुकिंग भी किया होगा, भाग लिया होगा, तो इस तरह से हुआ था ये चीज़। इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते हैं? जी जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपका स्टार्ट कैसे हुआ? हाँ, इंस्टाग्राम बेसिकली मेरा तो अभी पढ़ाई ही चल रहा है, लेकिन चूँकि मैं बोर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ चीज़ों से, तो फिर मैं सोची कि चलो इंस्टाग्राम ऐसे ही मैंने एंटरटेनमेंट के तौर पे स्टार्ट किया था। और फिर ऐसे ही डेली कंटेंट डालना, मतलब इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करें। और मेरा यही रहता है कि आपने आर्ट कल्चर को दिखाना, और मोस्टली मैं नागपुरी चीज़ों को ज़्यादा मतलब प्रमोट करती हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा सबका। तो जैसे 0 फॉलोअर था या फिर 10-15 आप स्टार्ट किए, तो कितना मेहनत लगा ये सब करने में? मेहनत तो सभी चीज़ों में लगता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। स्पेशली कई बार ऐसा लगता है, मतलब दिन में ऐसा होता है ना कि हम बोर लग रहा है, अरे यार छोड़ो आज वीडियो नहीं डालते हैं, उसके बावजूद इस चीज़ के लिए टाइम निकालना है कि चलो कुछ तो डालना है, कुछ तो पोस्ट करना है। तो पहले ऐसे ही वीडियोस वगैरह बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपना लेवल अप करना चाहिए, थोड़ा डांस रिलेटेड वीडियोज़ या तो फिर कुछ नागपुरी में कुछ अलग कॉन्टेंट क्रिएट करना। तो इस तरह से करके फिर करते गए। बताइएगा कि इसमें भी आपका करियर बन सकता है? हाँ, इसमें करियर बन सकता है, लेकिन मेरा एक स्पेशल सजेशन ये रहेगा कि अपना जो पढ़ाई है उस चीज़ को भी मतलब जारी रखें, क्योंकि एक इंसान के लाइफ में एक परमानेंट बेस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टैलेंट तो होता है, पर कई बार टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू आगे तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को वैसा कोई स्पॉन्सर्स खड़े नहीं होता है ये सब चीज़ के लिए। तो पहले परमानेंट बेस जो होना चाहिए वो स्ट्रांग हो जाए, और साथ ही ये सब एक्टिविटी जो टैलेंट है वो सबको भी करते रहिए। एक दिन ऐसा मौका आएगा जो आपका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा, लेकिन ये सब भी तभी तक रहता है ना जब तक आप मतलब अच्छे स्थिति में हो। लेकिन आपके लाइफ में जॉब होना या तो फिर एक परमानेंट बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कला भी रहेगा आपके लाइफ में, लेकिन तब तक जब तक आपका हेल्थ आपका शरीर आपके साथ दे रहा है, ऐसा होता है। तो इसलिए अपना जो भी है उसको जारी रखें। क्या है बेसिकली कि जो लोग फेमस हो जाते हैं, इंस्टाग्रामर फेमस हो जाते हैं, तो उनका पैर खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। हाँ जी। जैसे वीडियो इधर का उधर पेस्ट कॉपी करके और उनका थोड़ा गलत नेचर दिखाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? ऐसे लोग होते हैं, बट उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट का यही है कि अगर आप जो लोग टांग खींच रहे हैं उन पे ध्यान देंगे तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वैसे लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बेकरार है तोरे से मिले ले दिल, इंतजार है
अरे तो आए जा, अरे तो आए जा, करके है प्यार के जहां। तोर पर छाई बन के साथ चलबो, हद से भी ज्यादा तो के प्यार करबो। तोर पर छाई बन के साथ चलबो, हद से भी ज्यादा तो के प्यार करबो। जल्दी से आए जा रे, कहीं ना देर हो जाए। जल्दी से आए जा रे, कहीं ना देर हो जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।